हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह। आज की आखिरी सुबह लेह में। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। हो गए ऑलमोस्ट तकरीबन 8-9 दिन हो चुके हैं। आई एम नॉट काउंटिंग द डेज। टुडे इज ऑगस्ट 25th एंड वी आर गोइंग कारगिल। ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर्स का राइड है एंड वी आर विजिटिंग फ्यू प्लेसेस ऑन द वे जो मैं शेयर करूँगा व्लॉग में। ब्रेकफास्ट कर लिया है, सामान चेकआउट कर लिया है, सामान विल बी इन द बैकअप व्हीकल एंड हम लोग राइड करेंगे। राइड शुरू होने को बस 5-10 मिनट बाकी है, सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। लेह में क्लाइमेट काफ़ी प्लेजेंट है, इट्स अराउंड 28-29 राइट नाउ। रात को भी इतनी कुछ ठंड नहीं थी, 22-24 था, सो ऑल वेल सो फार। वेल निकलते हैं अभी और ऑन दी वे बाइक पे मिलते हैं। ऑल सेट फॉर द डे। निकल चुके हम लोग कारगिल के लिए। सामने है एक फाइटर प्लेन टेक ऑफ लेते हुए। आई डोंट नो कैमरा में वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे है एयरपोर्ट। आज तो पूरी मक्खन रोड हो गई ऐसा हम लोग को बताया गया है। यहाँ पे क्या है, हॉल ऑफ फेम। ओह वाओ, क्या बात है, क्या बात है। हॉल ऑफ फेम को हम लोग यहाँ से बाहर से देखते चले जाएंगे। सो गाइस, फाइनली वी आर एट मैग्नेटिक हिल। वहां पे लिखा है देखो, और यहाँ पे एटीवी भी राइड कर सकते हैं। चलो फिर बाइक पार्क करते हैं एंड थोड़ा देखते हैं, फोटो वोटो लेते हैं, बस कुछ फोटोज ली एंड नाउ वी आर मूविंग। चलो, अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था स्नैक्स के लिए, बट स्नैक्स बोलते बोलते हम लोग ने खाना खा लिया वहाँ पे। व्लॉग नहीं किया वहाँ पे, बट अभी यहाँ पे चेक पोस्ट पे आके रुके एंड लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स। यहाँ पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट में शायद गाड़ी का नंबर रजिस्टर्ड होगा एंड देन वी विल मूव अहेड 132 किलोमीटर्स टू गो मोर। लेट्स गो। That's the captain. Almost हर vlog में आपने उसको देखा है। कभी कभी मैं उसको अच्छे से follow कर देता हूँ, अब उसको follow करेंगे because vlog करने के लिए यहाँ पे कुछ खास है नहीं। But there's one thing which should be noted, जब से लेह से निकले ना यार, क्या रोड मिली हम लोग को। पिछले almost 100 किलोमीटर्स इतनी मक्खन जैसी रोड है ना, और कैप्टन ने बताया हम लोग को सेम रोड होगी आगे ऑलमोस्ट कारगिल तक। कैप्टन स्लो हो जाता है, हम स्लो हो जाते हैं। पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ, मजा आ रहा है बाइक चलाने को। यहाँ पर हाइकर्स है शायद, ये सारे श्रीनगर से आ रहे हैं। सबके सब श्रीनगर से आ रहे हैं। दे आर गोइंग लेह और हम लोग आ रहे लेह से। सो ये जो एरिया है ना, इसको मूनलैंड बोलते हैं लोग। सी इफ यू सी द स्ट्रक्चर्स, दे समवॉट रेप्लिकेट मूनलैंड। ऐसे पहाड़ अब तक मिले नहीं थे हम लोगों को पूरे जर्नी में, ये ऐसे वाले। यहाँ से अपन देखते हैं कारगिल दिखा रहा है अपने को 120 किलोमीटर। बहुत ज्यादा ऊपर आ गए हम लोग। अब देख दिखाता हूँ मैं अगली फ्रेम में
ये टर्न लेते ही यू विल गेट एन आइडिया कि हम लोग कितने ऊपर आए हैं। वो देखो बहुत ज़्यादा ऊपर आया है एंड और ऊपर ऊपर जाना है। वहाँ थे हम लोग, कितने ऊपर आ गए यार। और 70-80 किलोमीटर बाकी रहेगा कारगिल। कितने ऊपर आ गए, गॉश वहां से कहीं से तो आए हम लोग, वो दो पहाड़ के पीछे से। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे रुके, कुछ फोटोज ली हम लोग ने, बट क्या नज़ारा है यार। इतने सारे पहाड़ों के बीच में, वहाँ पे बीच में कुछ ग्रीनरी दिख रही है मेरे को। वाओ मैन, और ऊपर चढ़ना है, देखो और ऊपर चढ़ना है, और भी क्या नज़ारे रहेंगे यार ऊपर से। A few moments later. कारगिल जाते जाते हम लोग यहाँ पे रुक गए, ये काफ़ी सही स्पॉट लगा हम लोग को। लुक एट दिस व्यू, ऑलमोस्ट 140-150 किलोमीटर्स चला लिए, स्टिल 80 किलोमीटर्स टू गो, 70-80 किलोमीटर्स। आगे अपडेट करूँगा जहाँ पे दिखता है, बट ये स्पॉट बहुत गजब है यार। लेट्स गो ओवर देयर। क्या व्यू है यार इधर से, बाइक राइड का यही मजा है। बहुत सही स्पॉट पे रुके हम लोग। क्या कर रहा है पब्लिक, क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं? दैट्स शांगे, शांगे इज आवर कैप्टन। से हाय टू माय सब्सक्राइबर्स डूड, ही इज बीन अ ग्रेट गाय। क्या चलाता है बाइक यार, गजब। चश्मा कैसा लग रहा है? अरे एकदम लुकिंग स्मार्ट मैन। हाउ फार फ्रॉम हियर? ऐसा रास्ता रहेगा तो 2 hours, मतलब आड़ा टेढ़ा गोल 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 गोल। डूड 40 किलोमीटर के बाद ओके। गौतम भाई यू आर टेकिंग बिग रिस्क, आराम से आराम से ले रहा है भाई अपना। यहाँ बैठे थोड़ा मजा लेंगे व्यू का एंड फिर निकलते हैं। बाय। 20 minutes later. ऊंचे ऊंचे पर्वत, गाना नहीं गाऊंगा मैं, बट वैसा ही कुछ है ये क्रेजी। बाय। वेलकम कारगिल 75 किलोमीटर्स, चलो 75 किलोमीटर यानी कि 1.5 घंटा तो पकड़ के चलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर ऐसा रोड रहेगा ऐसे 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 तो फिर ज़्यादा हो सकता है, बट सीधा रोड मिल जाएगा ना ये उतर पहाड़ उतरने के बाद तो शायद फटाफट पहुंच जाएंगे। दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाएगी ना वहां तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। कितनी भी दूर देखो
Kargil is now just maybe 25-30 kilometers from here. रास्ता एक नंबर है. सामने वाला दृश्य देखो, मजा है मजा. यहाँ पे बाइक चलाने की फीलिंग ही अलग है यार. ए, कैसा जाता है कैप्टन हमारा, एकदम भयंकर जाता है. उसका ब्रेक भी नहीं है, सिर्फ आगे का ब्रेक लगता है, फिर भी वो भगाता है बंदा. गॉड नोस वो कैसे चलाता है. फिर सीधा कारगिल जाके रुकेंगे. वी आर इन द कारगिल फाइनली. कारगिल में आ तो गए हैं, बट होटल इस पॉइंट से कुछ 5 मिनट की दूरी पर है. तो ग्रुप का ये डिसाइड हो चुका है कि वॉर मेमोरियल कल सुबह निकलेंगे, बिकॉज वो हम लोग को कल श्रीनगर जाते हुए ऑन दी वे लग जाएगा. एंड यहाँ से वॉर मेमोरियल इज़ अराउंड 1 आवर. सो सेंस भी वही बनता है कि कल सुबह हम लोग जाए वॉर मेमोरियल व्हेन वी मूव फॉर श्रीनगर. Tomorrow will be the last day of ride. आज तो 280 किलोमीटर हम लोग ने उड़ा दिया पूरा. मज़े आ गए. ये कारगिल के कुछ नज़ारे देख लो. कारगिल का मार्केट है. यहाँ पे कोरोना का डर भी नहीं लग रहा किसी को. मास्क काफ़ी कम लोगों ने पहना है, बट कोई नहीं. अभी तक शाम नहीं हुई, तो शाम होगी तो और कितनी भीड़ होगी यहाँ पे, जस्ट इमेजिन. कारगिल की ट्रैफिक आते ही. होटल पहुंच चुके हैं, सीधा रूम पर. ये रहा हमारा होटल एंड दिस इज द व्यू. काफी ऊपर आना पड़ा यार. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. कारगिल होटल में आ चुके हैं, अभी आराम करेंगे भाई. बहुत लंबा राइड था. अ क्विक रूम टूर. फुल अत्तर मार के रखा है. अत्तर मार के अत्तर है. एंड सिंपल सा बेड एंड बॉम्बिंग की जगह देखते हैं. बॉम्बिंग इज सो बिग. ये इसमें तो बेडरूम बन जाएगा. बेडरूम हो जाता है इसमें तो. गुड गुड गुड. आगे का कार्यक्रम डिसाइड करते हैं. अभी फ्रेश होते हैं सीधा. 4 hours later. So guys, इस ब्लॉग को करते यही पे खत्म. अगर ब्लॉग को यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन. एंड कारगिल आने के बाद कारगिल का कुछ मार्केट चेकआउट किया, बट वो मार्केट का कुछ व्लॉग बनाने जैसा कुछ था नहीं. इट वॉज अ रेगुलर मार्केट जो आपने मोटो व्लॉग में देखा था. आए डिनर किया. डिनर वॉज टू गुड. एंड बस दिन यहीं पे खत्म हो रहा है. रात के बजे 10:30 और डिनर के बाद हम लोग बैठे बातें की. That's it. कल सुबह एक और लंबी राइड चालू होने वाली है. वी आर स्टार्टिंग tomorrow मॉर्निंग एट 6. Tomorrow इज द लास्ट डे ऑफ द राइड. वेल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग गाइज. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी. लिव योर ड्रीम एंड कीप वर्किंग हार्ड गाइज. सी यू. बाय बाय. गुड नाइट फ्रॉम कारगिल.